खम्मा गणेशा, आज मैं आपको मैदे की मठरी बनाकर बताऊंगी। मठरी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है। आप किसी भी कटोरी का नाप रख सकते हैं। मैंने इस कटोरी का नाप रखा। इसी कटोरी से 2 कटोरी मैदा और आधा कटोरी हमें तेल लेना है मोयन के लिए। नमक 1 छोटा चम्मच, अजवाइन 1 चम्मच, कसूरी मेथी और 1 छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च। तो सबसे पहले हम मठरी के लिए आटा लगाएंगे। इसके लिए मैंने एक बर्तन में मैदा ले लिया है और अब डालेंगे अजवाइन। इसको हाथों के बीच में क्रश कर लेंगे। कुटी हुई काली मिर्ची, कसूरी मेथी और 1 चम्मच डाला है नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। पहले सूखे मसालों को हम मैदे में मिला लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें मोयन का तेल। मैदे में हमें अच्छा मोयन डालना है, इससे हमारी मठरी खस्ता बनेगी। आप इसे 2 अंदाज से लगा सकते हैं। एक तो आप जब मैदे में तेल डालकर उसे मिला लेंगे तो इस तरह से उसका लड्डू बनना चाहिए, या फिर आप 2 कटोरी मैदा में आधा कटोरी तेल डालें। फिर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका अच्छा टाइट आटा लगाएंगे। मठरी के लिए हमें टाइट आटा लगाना है। आटे को हमें ज़्यादा मसल कर चिकना नहीं करना है। हमें आटा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बस उसे अच्छा मिलाना है। इसमें इसकी परत हमें अलग अलग रखनी है, जिससे कि हमारी मठरी अच्छी खस्ता बनेगी। अब ढक्कन लगाकर हम इसको 10 मिनट के लिए रखेंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हमें आटा लगाए हुए। तो अब हम इसकी मठरी बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप आटे को दबा दबा कर मसल कर हमें इसे चिकना नहीं बनाना है। बस इसको आटे को गूंथना है ताकि ये सूखा ना रहे। फिर हम इसकी हल्के हाथों से लोई बनाएंगे और दोनों हथेलियों के बीच में दबा दबा कर इस तरह से मठरी बनाएंगे। मठरी हमें ना तो ज़्यादा पतली बनानी है ना ज़्यादा मोटी, इस तरह की बनानी है। और ये देखिए आप, लोहे के अंदर हमें जी ये मैदे की अलग अलग परत दिख रही है, इसी तरह का हमें आटा लगाना है। तो इस प्रकार से हम सारी मठरी बना लेंगे। पूरे आटे की हमने मठरी बना दी है एक साथ। अब हम मठरी को तलेंगे। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में तेल को अच्छा गर्म कर लिया। तेल को एक बार अच्छा गर्म करने के बाद गैस को बिल्कुल धीरे कर देना है और हमें एक एक करके इसमें मठरी डालना है। मठरी को हम पूरे टाइम धीरे गैस पर इसको तलेंगे। इसी से हमारी मठरी खस्ता बनेगी। बीच बीच में हम इसे पलटते रहेंगे ताकि दोनों तरफ से हमारी मठरी अच्छी फ्राई हो जाए। और गैस को हमें धीरे रखना है। धीरे गैस पर लगभग 14-15 मिनट लग गए हमें मठरी को तलते हुए। अब हमारी मठरी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपकी मठरी मोटी या पतली बनी है तो उसमें टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसी तरह हम पूरी मठरी तल लेंगे। तो मठरी हमने सारी फ्राई कर दी है और ये ठंडी भी हो गई है। यहाँ पर मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। हल्का सा दबाव देते ही हमारी मठरी है जो एकदम से बिखर जाती है। मठरी हमारी बहुत ही खस्ता बनी है और इसका कारण यही है कि एक तो हमने मोयन अच्छा डाला और आटा है जो हमने सख्त लगाया और हमने धीरे गैस पर इनको फ्राई किया है, इसलिए हमारी मठरी इतनी अच्छी खस्ता बनी है। और फिर ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला और इसे एक एयर टाइट डिब्बे में डालेंगे, जिससे कि हमारी ये सॉफ्ट ना हो। अभी बारिश का मौसम है तो इससे ये सॉफ्ट हो जाती है। तो आप इसे एयर टाइट डिब्बे में डालकर 1 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। आप भी इस तरह से मठरी बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।